बहुत बड़ी राजनीति है, बंद कमरों में बैठ के कुछ न कुछ जनादेश के साथ छेड़छाड़ किया गया है। परत दर पर इसकी तह की जाएगी कि आखिर में सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की क्या मंशा थी। पलट गई बाजी अथवा पलटा दी बाजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुपौली विधानसभा में हुए उपचुनाव के बारे में, जहां से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती की करारी हार हुई है और निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत हासिल की है। राजद प्रत्याशी बीमा भारती के इस हार से क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता आरजू खान, सुनिए अमलेश आनंद की इस रिपोर्ट में। पलट गई बाजी या पलटा दी गई बाजी, ये दो वाक्य अपने आप में बहुत मायने रखता है आज के समय में। बता दूं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हुआ है और वहां से बीमा भारती हार चुकी है। बता दें कि वहां जदयू के कलाधर मंडल एक सशक्त कैंडिडेट कहे जाते थे, जदयू को भी बहुत गर्व था, उसी तरह से आरजेडी को भी बहुत बड़ा गर्व था कि बीमा भारती निश्चित जीतेगी, जो उनका पहले से रुतबा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पे आ चुकी है। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, युवा प्रवक्ता हैं, बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ सर, बाजी पलट गई या पलटा दिया गया। देखिए, इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, मैं हमेशा से इस चीज़ को कहता हूँ। और जो जनता ने जनादेश दिया है, हम उसको अपने सर आँखों पे रखते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता ही राजा है और हम, और वही हमारी मालिक भी है। दूसरी बात रही, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि भारत बिहार सरकार में बैठे हुए लोग, उन लोगों की क्या ऐसी मंशा थी कि अति पिछड़े के बेटी और अति पिछड़े के बेटे को उन्होंने जनादेश से बाहर रखा। क्या वो चाल चल रहे थे और क्या उनका चाल चरित्र था इस इलेक्शन में? अभी दर कुछ वक्त के बाद आपको परत दर परत इसकी जो तहकीकात है वो पूरी होगी। मतलब आपको ये लगता है इसमें भी राजनीति की गई, इसमें भी खेला गया? बहुत बड़ी राजनीति है, बंद कमरों में बैठ के कुछ न कुछ जनादेश के साथ छेड़छाड़ किया गया है और वहां की अति पिछड़ा बेटी को भी हराया गया और अति पिछड़ा के बेटे को भी हराया गया। अपने पार्टी के लोग के ही अपने कैंडिडेट को हरा देंगे? जो सत्ता में जो मौजूद है, जो एनडीए के लोग हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, उन लोगों की ये मानसिकता, ये छोटी मानसिकता और घिनौनी मानसिकता है, जो कि वहां के अति पिछड़े के बेटे और अति पिछड़े की बेटी के साथ ऐसा दुस्साहस हुआ है। और इसको हम स्टेप बाई स्टेप आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। देखना है कि इसके अंदर अभी क्या क्या घिनौना खेल चल रहा था और इसको किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी। जैसे ही इसकी पुष्टि होती है, आज चुनाव का रिजल्ट आया, वैसे ही हम आपके आपके चैनल के माध्यम से इसकी पुष्टि जरूर करेंगे। देखिए, आपको एक बात तो तय है कि आप लोग भी, आरजेडी दम्भ भर रहा था कि बीमा भारती इस बार जीतेगी, चूंकि इससे पहले एक झटका लग चुका था लोकसभा चुनाव में, फिर भी इनको टिकट क्यों दिया गया और किस आधार पर? क्या लगता है कि बहुत जल्दीबाजी नहीं हो गई? देखिए, अगर इस जनादेश को अगर हम देखते हैं तो देखिए, सीटिंग जो एमएलए रह चुकी थी वो बीमा भारती जी पहले जनता दल यूनाइटेड की थी, ऐसा नहीं है, वो हमारी अभी कैंडिडेट थी। जैसे उन्होंने उससे इस्तीफा दिया, हम लोगों ने उन्हें अपनाने का काम किया, तो हमारी तो हार हुई है, लेकिन हम इससे भी बड़ी करारी शिकस्त मानते हैं जनता दल यूनाइटेड की, कि जो बाई इलेक्शन अगर देखा जाता है पूरे देश में, तो बाई इलेक्शन में जो सत्ते पे काबिज रहती है, जो सरकार जो सत्ते को चलाती है, जो जो सत्ते में रहती है, उसी को बाई इलेक्शन में जीत होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा, न एनडीए को न इंडिया को, इंडिपेंडेंट के खाते में ये चीज़ें चली गई है। तो इस सब पे एक समीक्षा बैठक हमारी पार्टी की होगी और उसके बाद हमारे अंदर क्या कमियां रही, हम इसको जरूर देखेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपनी हार से दुखी नहीं है, दूसरों के हार से ज्यादा दुखी है? हम देखिए, लोकतंत्र में रहने के नाते हम आपसे शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता जनादेश हमको, शायद वहां की जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया, इसलिए हम जो है हार हमको स्वीकार हुआ है और हम उस हार को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता ही मालिक है।
उसको हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार में बैठे लोगों का ऐसी क्या मानसिकता थी कि अति पिछड़े की बेटी को और बेटे को इन लोगों ने हराने का काम किया है। इसके अंदर हम लोग पहुंचेंगे और परत दर परत इसकी तय की जाएगी कि आखिर में सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की क्या मंशा थी। अच्छा, जो वहाँ के कैंडिडेट जीते हैं, निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह, आगामी लोकसभा चुनाव है विधानसभा चुनाव है 2025 में, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी क्या उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेगी? देखिए, राजनीति में कभी भी किसी से वास्ता नहीं खत्म होता है और राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। तो हम ये राजनीति का जो ये जो चलन है, इससे हम कह सकते हैं कि वो हमारे अस्थाई रूप पे तो वो हमारे दुश्मन है नहीं, हम या फिर कोई और भी पार्टी जो सरकार में है, वो सारे लोग हो सकता है कि उनसे संपर्क साधे, लेकिन आने वाले वक्त में 2025 में क्या होगा, ये 2025 में ही आपको इसका जवाब मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बीमा भारती इस बार जो हारी है आरजेडी से, यहाँ अगले विधानसभा चुनाव में फिर कुछ प्लान वो बदलेगी क्या कि फिर से जदयू में आएगी? देखिए, ये उनका मसला है, बीमा भारती क्या करती हैं, इस सवाल का सही जवाब वही दे पाएंगी। मेरा ये कहना है कि अगर आप ये सवाल करिएगा कि क्या उनको फिर बीमा भारती को हमारी पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ आपसे खुले स्पष्ट शब्दों में कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा। विधानसभा चुनाव के लिए कैसी तैयारी करेंगे, क्योंकि बीमा भारती का तो आपने वहाँ देखा है, फिर आगे की तैयारी रणनीति कैसी हो? रणनीति हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल की बेहतर होती है, अच्छी होती है, बिहार के जनमानस के लिए होती है। बिहार के मुद्दों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ते हैं और बिहार की जनता हमें बिहार की जनता ने हमें जनादेश दिया है, हमको सबसे बड़ी पार्टी का खिताब दिया है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले वक्त में भी बिहार की जनता का जनादेश स्पष्ट स्वरूप से राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलने वाला है। शुक्रिया आरजू खान जी। तो आप सुन रहे थे आरजू खान जी जो प्रवक्ता है आरजेडी के, और इन्होंने कहा है कि देखिए, हार और जीत पर मेरा कैलकुलेशन नहीं है और हमारा कैलकुलेशन है अपनी पार्टी की कर्मठता पे, और जनता ने जो जनादेश दिया है उसे मुझे स्वीकार करना होगा, अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं? कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं? आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं? कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं? तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में इसी डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन बड़ा बाजार कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 0064524523792997।